हेलो गाइस एंड वेलकम टू एटोआर मोटर राइड। तो आज का वीडियो होने वाला है टीवीएस अपाचे आरटीआर 164 VBS6 का ब्लैक कलर एडिशन वाला। तो गाइस वीडियो में बने रहें, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर गाइस आपको टीवीएस ब्रांड का कोई भी प्रोडक्ट खरीदना हो तो आप शांत वीर टीवीएस उदगीर को कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर विजिट कर सकते हैं। इनका कांटेक्ट नंबर और मैप वाला लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शंस में अवेलेबल मिल जाएगा। अपाचे 164V का ये तीसरा वीडियो है। मैंने पहले ही दो वीडियो बना दिए हैं, एक है रिव्यू का और एक है प्लस पॉइंट्स का। आप जाकर मेरे चैनल पर चेक कर सकते हैं या फिर आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगी दोनों ही वीडियोज़ के। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस बाइक के लुक्स की। तो आपको ये ब्लैक कलर एडिशन में जो ब्लैक कलर मिलता है, ग्लॉसी ब्लैक मिलता है, अच्छा लुक दे देता है। बाइक बहुत अट्रैक्टिव लगती है, बहुत चमकती है। ये बाइक ब्लैक कलर का कुछ अलग ही क्रेज़ दिखता है इस बाइक में, इसलिए मैंने स्पेशल इसका वीडियो बनाने का सोचा। तो अब बात कर लेते हैं इसके इंजन की। तो इसका इंजन आपको 159.7 cc का ऑयल कूल्ड सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक BS6 कंप्लाइंट फ्यूल इंजेक्टेड इंजन मिलता है और इसकी पावर आपको 160 cc कैटेगरी में सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी। इसकी पावर आपको 17.4 PS मिलती है 5950 RPM पर और इसका टॉर्क आपको 14.7 न्यूटन मीटर 7250 RPM पर मिलता है। टॉर्क और पावर आउटपुट सबसे ज़्यादा इसी बाइक में मिलता है 160 cc कैटेगरी में और इसमें आपको 5 स्पीड गेयरबॉक्स मिलते हैं और इसकी टॉप स्पीड आपको कंपनी क्लेम करती है 120 की। अगर आप रेड लाइन भी क्रॉस कर लेंगे तो 125 की भी मिल सकती है आपको और इसका माइलेज कंपनी क्लेम करती है 50 से 55 KMPL का। तो आपको 160 cc कैटेगरी में सबसे ज़्यादा पावर देने वाली बाइक यही मिलेगी और इसका माइलेज भी आपको अच्छा देखने को मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं इसके फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल की। तो बहुत अट्रैक्टिव आता है, इसमें सारे फीचर्स मिलते हैं आपको, जैसे कि स्पीडोमीटर मिलता है, ओडोमीटर मिलता है आपको, ट्रिप मीटर मिलता है, फ्यूल गेज यहाँ पर आता है, टैकोमीटर मिलता है आपको, यहाँ पे क्लॉक भी मिलती है आपको। इसमें आपको ट्रिप 1, ट्रिप 2 सारे ऑप्शंस मिलते हैं और इसमें आपको टॉप स्पीड रिकॉर्डर भी मिलता है, सारी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन मिलती है आपको। यहाँ पे ABS ब्लिंक हो रहा है, यहाँ पर इंजन चेक लाइट मिलती है, टर्न सिग्नल्स की लाइट, अपर डिपर की लाइट मिलती है यहाँ पर, ये न्यूट्रल लाइट, लो फ्यूल इंडिकेटर मिलता है आपको, यहाँ पे चाबी का इंडिकेटर है और ये आपको रेव लिमिटर मिलता है। तो सारे के सारे इन्फॉर्मेशन आपको इस इंस्ट्रूमेंट कंसोल से मिल जाते हैं। अब बात कर लेते हैं स्विच गियर क्वालिटी की। तो आपको राइट साइड पर यहाँ पर इंजन किल स्विच मिलता है और ये सेल्फ स्टार्ट वाला बटन आता है और ये 1 touch स्टार्ट है, मतलब एक सेकंड में स्टार्ट हो जाती है बाइक इससे। और इसके जो आपको रियर व्यू मिरर मिलते हैं कुछ अलग ही डिज़ाइन के आते हैं और अच्छे क्वालिटी के आते हैं इस बाइक में। और लेफ्ट साइड के स्विच गियर्स की बात करूँ तो आपको यहाँ पर येलो कलर में पासिंग स्विच मिलता है, अपर डिपर स्विच, टर्न सिग्नल्स वाला स्विच और ये हॉर्न वाला बटन आप सुन ही सकते हैं, बहुत लाउड आता है इस बाइक का हॉर्न। ब्रेक लीवर्स आपको क्रोम फिनिश में मिलते हैं, अच्छे क्वालिटी के आते हैं। क्लच भी बहुत लाइट आता है इस बाइक का, आप आराम से मनूवर कर सकते हैं इस बाइक को। तो सीट की बात करूँ तो आपको सिंगल पीस सीट मिलती है, सिंगल पीस में आती है, स्प्लिट सीट नहीं आती और ये कंफर्टेबल है राइडर के लिए भी और पिलियन के लिए भी। आपको प्रॉपर साड़ी गार्ड मिलता है, लेडीज़ के लिए बहुत कैपेबल है ये बाइक। पिलियन कंफर्ट भी आपको अच्छा मिल जाता है, प्रॉपर ग्रैबरल आते हैं जिसका कुछ ऐसा लुक आता है, बहुत अट्रैक्टिव लगती है ये बाइक रियर से भी। अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल सेक्शंस की। तो आपको फ्रंट में LED हेडलाइट के साथ आपको ये DRL मिलते हैं, देख सकते हैं आप, DRL मतलब डे टाइम रनिंग लाइट, बहुत अट्रैक्टिव लगती है इसके जैसे बाइक। और टेल लाइट का कुछ ऐसा डिज़ाइन आता है, ये भी आपको LED यूनिट मिलती है और जो इंडिकेटर्स आते हैं ये भी आपको हैलोजन वाले मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं टायर साइजेस की। तो आपको फ्रंट में 90-90-17-17 inch का फ्रंट टायर मिलता है और रियर में 130-70-17-17 inch का रियर टायर मिलता है आपको इस बाइक में। ब्रेकिंग परफॉर्मेंस की बात करूँ तो आपको डुअल डिस्क विद सिंगल चैनल ABS मिलता है और फ्रंट डिस्क का साइज 270 mm मिलता है आपको और रियर वाला डिस्क आपको 220 mm का मिलता है। आप देख ही सकते हैं कुछ अंदर ऐसे पैक है। सस्पेंशन की बात करूँ तो आपको फ्रंट में टेलीस्कोपिक फोक मिलता है विद प्रोटेक्टर्स, हर एक कंपनी को ऐसे प्रोटेक्टर्स देना चाहिए ताकि इसके फोक सील ना फूटे। और रियर में 7x एडजस्टेबल मोनोशॉक मिलता है इस बाइक में आपको। अब बात कर लेते हैं डायमेंशंस की। तो आपको इसकी सीट हाइट मिलती है 800 mm, 5'2" भी होंगे तो आराम से इस बाइक को राइड कर सकते हैं। और जो ग्राउंड क्लियरेंस आता है आपको वो होता है 170 mm का, सफिशेंट है। और बाइक का ओवरऑल वेट 147 किलोग्राम का आता है, लाइट वेट है। एक और अट्रैक्टिव पार्ट आता है इस बाइक में, वो आता है इसका टैंक का लुक। आप देख ही सकते हैं साइड माउंटेड कैप मिलती है आपको इसमें
और आपको टैंक कैपेसिटी भी अच्छी मिल जाती है, 12 लीटर की टैंक मिलती है। तो गाइस आज के वीडियो में मैंने आपको इसका ओवरऑल रिव्यू दे दिया है। ब्लैक कलर है इसलिए मैंने स्पेशल वीडियो बनाया। अगर आपको इसकी प्राइस और साउंड सुनना हो तो आप पिछले वाले अपाचे के वीडियो में देख सकते हैं, उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। आप आराम से वहाँ पर जाके इसका पूरा का पूरा रिव्यू देख सकते हैं, मैंने अच्छा खासा रिव्यू डिटेल में किया है। ये तो ब्लैक कलर को बताने के लिए किया था खास वीडियो। तो गाइस आज की वीडियो में मैंने आपको TVS Apache RTR 164V ब्लैक कलर का फुल रिव्यू दे दिया। आपको कैसी लगी भाई कमेंट सेक्शन में बताना। इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। आज की वीडियो में इतना ही, चलता हूँ, गुड बाय गाइस।